हेलो जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जितेंद्र किंद्रा और आप देख रहे हैं स्टार्टअप विद किंद्रा जी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज़ इनोवेशन, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनोवेशन। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले देखें व्हाट इज़ इनोवेशन, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग्स में। दोस्तों, टाइप्स ऑफ इनोवेशन को हम नंबर्स में कन्फाइन नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत तरीके के इनोवेशन हो सकते हैं। बट मेजरली अगर हम देखें तो चार तरीके के ब्रॉड टाइप्स हैं इनोवेशन के। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से टाइप्स हैं। दोस्तों, पहला टाइप है टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट इनोवेशन। तो बेसिकली आपने देखा होगा कंपनीज़ को जो कि अपनी टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट को टाइमली रिफाइंड और इम्प्रूव करती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेट्स से कि ऑडी, मर्क, बीएमडब्ल्यू, जर्मन ऑटोमेकर्स, राइट? तो ये हमेशा, अब इनकी कार्स देखें तो इनकी कार्स बहुत बेटर हैं, एफिशिएंट हैं, फास्टर हैं, और यू नो लाइक बहुत इफेक्टिव हैं। तो ये अपनी टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, राइट? आईफोन के आप देखेंगे हर साल या एक इंटरवल के बाद एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। उसमें या तो कैमरेज अच्छे हैं या तो और अच्छे फीचर्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये होता है टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट इनोवेशन। दोस्तों, सेकेंड टाइप ऑफ इनोवेशन होता है प्रोसेस इनोवेशन। तो प्रोसेस इनोवेशन अगर सिंपल वे में कहें तो या तो उन्होंने यू नो लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में कुछ चेंज किया हो या फिर डिलीवरी प्रोसेस में कुछ चेंज किया हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में चेंज, यानी फॉर एग्जांपल पहले की जो यू नो लाइक वो होती थी, लाइक फैक्ट्रीज होती थी, उसमें लोग मैन्युअली सामान उठाते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने यू नो लाइक मशीन्स लेके आए और मशीन से सामान उठाने लगे ताकि ह्यूमन एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाए। तो वो हो गया एक इनोवेशन, राइट? वो हो गया एक प्रोसेस इनोवेशन। और सेकेंडली डिलीवरी इनोवेशन में बेसिकली क्या है, डिलीवरी प्रोसेस चेंज में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पतंजलि की, तो पतंजलि ने क्या किया, अपना मॉडल चेंज कर दिया। उन्होंने बेसिकली मॉडल रखा अपना फ्रेंचाइजी मॉडल, जहाँ पे उनको डिलीवरी यू नो लाइक हर रिटेल स्टोर पे जाके नहीं करनी पड़ी। उनके एक सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग आके ले लेते हैं डिलीवरी, राइट? उन्होंने घर घर जाके ई कॉमर्स का प्रोसेस नहीं अपनाया। तो वो मैं कह सकता हूँ वो हो गया एक डिलीवरी प्रोसेस इनोवेशन। दोस्तों, थर्ड टाइप ऑफ इनोवेशन होता है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बट डेफिनेटली आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने बिजनेस मॉडल को इनोवेट करने में लगे रहते हैं। बिकॉज जो वर्ल्ड के टॉप स्टार्टअप्स हैं, ऊबर, एयरबीएनबी, इनफैक्ट इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स हैं ओला और ओयो, इन सब ने अपने मॉडल को बहुत इनोवेटिव किया है। और फॉर एग्जांपल हम इनको बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। इनके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, बट आप जानते हैं ये कितने बड़े स्टार्टअप्स हैं, और बेसिकली ये ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसको एक अलग तरीके से इनोवेट किया अपने बिजनेस मॉडल को। फॉर एग्जांपल वन प्लस, आपने देखा होगा वन प्लस इंडिया में काफ़ी चला, बिकॉज उन्होंने अपने जो बिजनेस को एक इनवाइट ओनली फॉर्म दे दिया था, जहाँ पे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती गई कि यार ये तो हमें भी चाहिए, यू नो लाइक हमें भी इनवाइट चाहिए। बिकॉज अगर कुछ यू नो लाइक स्कार्सिटी होती है, वहाँ पे हमेशा डिमांड बढ़ती है। तो दैट इज वो इनोवेशन उन्होंने किया। तो ये होता है यू नो लाइक थर्ड टाइप ऑफ इनोवेशन, जो कि है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। दोस्तों, जो फोर्थ मेजर टाइप ऑफ इनोवेशन है वो होता है पोजीशन इनोवेशन। कैसे ब्रांड्स अपने आप को पोजीशन करते हैं मार्केट में। और अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो इंडिया में पतंजलि, और अगर मैं यूएस का एग्जांपल दूँ तो एप्पल प्रोडक्ट्स, राइट? अगर आपने सुना होगा कि एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो लोग वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी हो जाए दो दो तीन तीन दिन तक लगे रहते हैं लाइनों में। और इनफैक्ट वहाँ पर एक नई सर्विसेज भी शुरू हो गई है जहाँ पर कोई और उनके लिए लाइन में खड़ा होता है। खैर, बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडिया में बात करें तो पतंजलि ने अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्लेस किया है मार्केट में, पोजीशन किया है कि लोग उसको उनके प्रोडक्ट्स को, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रसाद के फॉर्म में लेते हैं कि यार अच्छा पतंजलि का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। और बिकॉज बाबा जी ने स्वदेशी कल्चर को यू नो लाइक बहुत बढ़ावा दिया है और अपने ब्रांड को बहुत ही डीपली पोजिशन कर दिया है इंडिया में। तो दोस्तों, ये थे मेजर टाइप ऑफ इनोवेशन, एंड इसके अलावा और भी इनोवेशन हो सकते हैं। दोस्तों, पतंजलि ने मुझे किसी तरीके से पे नहीं किया है, और बट आई बिलीव कि पतंजलि से हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन सीख सकते हैं, बिकॉज ये होम ग्रोन ब्रांड है और उन्होंने जिस हिसाब से उसको पोजीशन किया है, हैट्स ऑफ टू हिम। और उन्होंने पूरे FMCGs को दिखा दिया है कि यू नो लाइक इंडियंस कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कि मार्केट में आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकअप है तो। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यू नो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। इसलिए मैंने इसको कोशिश की है कि जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा सकूँ और शेयर कर सकूँ, बेसिकली वो मैंने किया है।
और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, लास्ट वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए यहाँ पे। एंड दैट्स इट, जय हिंद।